हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कृष्णा मंचल रसोई में। और आज हम बनाने जा रहे हैं दाल ढोकली। और ये दाल ढोकली हम बनाएंगे मूंग की दाल में। तो चलिए देखते हैं दाल ढोकली बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और इसे हम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले यहाँ हम ले लेंगे आधा कटोरी मूँग की दाल। और यहाँ मैंने छिलके वाली दाल ली है मूँग की, और इसे हम 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे और साइड पर रख लेंगे। और यहाँ मैंने ले लिया है एक बड़ा बाउल, और इसमें हम डालेंगे 1.5 कटोरी गेहूं का आटा। क्योंकि ये दाल ढोकली हम 2 व्यक्तियों के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ मैंने 1.5 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। और इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। तो सबसे पहले हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और अब हम थोड़े थोड़े पानी की मदद से एक डो तैयार करेंगे। तो हमें मीडियम कंसिस्टेंसी का डो तैयार करना है। और ये जो आटा हम गूंद रहे हैं, इसे एकदम से रफली गूंदना है, हमें स्मूथ नहीं करना है, सिर्फ हमें आटे को मिक्स करना है। तो आप इस तरह से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और आटे को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, ये डो हमारा तैयार हो गया। ये देखिए, इस तरह से रफली मैंने आटा गूंदा है ताकि इसकी जो ढोकली बनेगी वो सॉफ्ट बनेगी। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। और अब हम ढोकली बनाने की तैयारी करते हैं। थोड़ा सा मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया है और इसकी हम छोटी छोटी ढोकली तैयार करेंगे। तो इस तरह से आप छोटा छोटा पोर्शन ले लीजिए और इस तरह से ढोकली तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए, सारी ढोकली हमारी बनके तैयार हो गई हैं। और यहाँ मैंने कुकर ले लिया है एक, और गैस ऑन कर लिया है। और इसमें हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून ऑयल। तो 1.5 चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। और जैसे तेल गर्म होता है, हम इसमें डाल देंगे 1 तेज पत्ता, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई, 1 लाल मिर्च साबुत मैंने डाली है इसमें, 1 लौंग, और 2 से 3 हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची 2 बारीक कटी हुई, 1/2 चम्मच जीरा, हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। और अब हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हींग। और अब हम डाल देंगे 1 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ। और सारे मसालों को हम थोड़ा भून लेंगे। तो थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे टमाटर को भून लीजिए तेल के साथ। और अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो पहले मसालों को थोड़ा सा मिला लेंगे हम, और फिर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाले को हम अच्छे से पकने देंगे। तो ये जो टमाटर है वो एकदम से सॉफ्ट हो जाने चाहिए, तब तक हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला हमारा भून चुका है। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। और ये जो मूंग की दाल हमने धो के रखी है वो इसमें ऐड करेंगे।
इसे मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा मिला लेंगे और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ हमें 2 ग्लास पानी डालना है क्योंकि हम ये इंस्टेंट दाल ढोकली बना रहे हैं। तो ये मैंने 2 ग्लास इसमें पानी ऐड कर लिया है और अब हम पानी को उबलने देंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा उबाल आना शुरू हो गया है पानी में और तब इसमें हम डाल लेंगे 1/2 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ। और ये देखिए अभी दाल हमारी बहुत अच्छे से उबलने लग गई है, ये देखिए। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ढोकली जो हमने बना के रखी है। तो ये सारी ढोकली आप डाल लीजिए इसमें। और इसे हम थोड़ा सा मिला लेंगे। और अब हम कुकर बंद कर लेंगे और 4 सीटी आने तक हमें इसे पकाना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे दाल ढोकली को पकाना है। और कुकर को अब ठंडा होने देंगे। और ये देखिए अभी कुकर थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसका प्रेशर मैंने रिलीज कर दिया है। और ये देखिए दाल ढोकली हमारी बनकर तैयार हो गई है। और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया और हल्के हाथों से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और फिर हम एक इसे सर्विंग बाउल में इसे ट्रांसफर कर लेंगे। और इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी और थोड़े से हरे धनिया से हम इसे गार्निश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स दाल ढोकली हमारी बनकर तैयार है। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।